कैन यूज आइडेंटिटीज, हम जब आइडेंटिटी का यूज करके इस तरह से, जैसे आपने जनरल सीखा था कल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ए माइनस दिख रहा है, बी दिख रहा है, होल स्क्वायर भी दिख रहा है, बट हमारा जो जनरल जैसे हमने नॉर्मली अभी देखा था 2x 3y लिख के या कोई नंबर लिख करके देखा था, अब हम क्या करेंगे इसमें अंडर रूट करके देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी अंडर रूट में अंडर रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा अंडर रूट जो है रिमूव हो जाता है और ये सिर्फ 2 हो जाता है। ठीक, सेम डिजिट की बात कर रहे हैं, अगर सेम नहीं होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पे जो हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपके पास है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अंडर रूट 2 है, x है, x जो है अंडर रूट के अंदर नहीं है। ठीक है, 2 केवल अंडर रूट 2 है केवल ये मेरा। ठीक, अब हम इसे यूज़ करना चाहें तो कैसे यूज़ करेंगे, हमारे पास देखिए अंडर रूट 2 है, एक्स है, इसका होल स्क्वायर हो गया ए की प्लेस पर, प्लस बी होता है, देन 3y का स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस 2ab होता है इसका, ये आपको पता है, आइडेंटिटी आपको पता हो चुकी है, माइनस हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो गया अंडर रूट 2 और एक्स इंटू 3y, ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। अब इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये तो हमारा 2 ही हो गया और x जो है x स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, और ये 3 जा हमारा 9। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अंडर रूट की जो साइन लगी है वो सिर्फ नंबर पे है या लिटरल के साथ भी है, अगर लिटरल के साथ होता ना तो ये भी जो है हमारा इसी के तरीके से हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा था नहीं यहाँ पर, माइनस ये क्या हो गया 2 3 जा 6 हो गया और अंडर रूट 2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 6 और अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, ये 3 2 जा 6 हो गया, अंडर रूट हमारा 2 हो गया और x हो गया और y हो गया, और कोई इफेक्ट कहीं पे नहीं पड़ा, जिसके साथ था उसका मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से था हमारा अंडर रूट की कंडीशन, अगर हो तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए हमें जो फॉर्म दिख रहा है हमें किस तरीके से दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए हमें ऐसे दिख रहा है कि x प्लस 1 और माइनस 1, और ये x स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, तो इसका तो कोई कम्बिनेशन नहीं, बट यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आप क्या कर देंगे, इसका a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 1। ठीक, और दूसरा क्या है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1, और तीसरा क्या है x की पावर 4 और प्लस 1, चूँकि इसका तो कोई फैक्टर नहीं होता, लेकिन इन दोनों का अभी भी फैक्टर हो सकता है जो कि आपके फॉर्म में दिख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, ये a माइनस बी दिख रहा है, ये a प्लस बी दिख रहा है, स्क्वायर है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि हमें तो अपना रूल ढूंढना है, आइडेंटिटी फाइंड करनी है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा x जो है वो a की जगह पे, यानी अगर हम फार्मूला देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a की जगह पे हमारा x स्क्वायर दिख रहा है, उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस और प्लस माइनस हो गया, 1 का भी स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 4 10 जो भी करिए 1 ही आना है, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो गया x की पावर 4 प्लस 1। अब देखिए ये क्या हो गया मेरा x पावर 4 और माइनस 1 हो गया, a के जो मुझे मिला, अब यहाँ देखिए x के पावर 4 फिर से ये फॉर्म में आ गया, फिर से ये फॉर्म में आ गया, तो आप इसे भी वही तरीका अपनाइए जो अभी किया था आपने, x के पावर 4 ये स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए माइनस बी ऐसा दिख रहा है, ये माइनस बी की जगह पे देखिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे बी की जगह पे माइनस 1 लिखा हुआ है, बस आप इसे ए समझ लीजिए। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो फिर ए के पावर 4 यानी एक्स के पावर 4 जो भी आपके पास हो उसकी बात करेंगे, स्क्वायर कर दिया और माइनस 1 का कर दिया। ठीक, अब वापस से ये हमें फॉर्म में मिल जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं, जब हम इसका 4 लिखा हुआ है ये हमारा स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स हो गया, क्या हो गया मेरे पास x के पावर 8 और हो गया माइनस 1। ये देखिए यहाँ से आप चले थे तो आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा था, उसके बाद फिर से आपको वही फॉर्म मिल गया, और जब आप आगे बढ़े तो फिर से आपको एक फॉर्म मिल गया। अब इस तरीके से ये जो अगर फॉर्म मुझे मिल जाए अलग से, तो इसे भी आप ब्रेक करके इन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करना सीखने के बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन क्वेश्चन देखेंगे,
103 है और 97 है. अब मुझे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने तो सबको आता होगा, बट यूजिंग आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी का यूज़ करके कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए, अगर मान लिया हमने 100 में प्लस 3 कर दिया तो 103 हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरे में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अगर हम 100 माइनस 3 कर दिए तो भी 97 मिल गया. मिल गया. अब मुझे ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, तो ए प्लस बी और ए की जगह पे हमने 100 ले लिया, प्लस माइनस माइनस ले लिया, 3 की जगह पे मतलब बी की जगह पे 3 ले लिया. ये क्या आ गया. अब हम स्क्वायर करेंगे तो यानी हमारी डबल है तो हमारे पास 2 और आ जाएंगे. माइनस 3 3 जा 9 हो गया, आपने माइनस कर दिया, क्या आया आपके पास यहाँ पर, क्या फाइंड आउट हुआ हमारे पास यहाँ पे, आ गया आपका, चला गया 1 और बाकी की स्पेस पे हमारा 9 9 आ गया. ठीक है, 3 टाइम्स, क्योंकि 3 0 है. ठीक, नेक्स्ट. यहाँ भी आइडेंटिटी आपने यूज़ करी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आपको पहचानना होगा. ठीक है, ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी, और ये आपकी जो आइडेंटिटी का यूज है वो चाहे आप CBSE हो, UPI हो और चाहे ICSE हो, सभी में ये फॉर्म है आपके पास. ठीक है, और डिफरेंट नहीं, कॉन्सेप्ट वही होते हैं. अब मान लिया ये है, ये मुझे कैसे मिलेगा 0.99, ये कैसे मिल सकता है. अगर मान लिया हमारे पास ये देखिए 0.99 है, यानी कि 1 से अगर हम किसी को माइनस कर दें, 1 से 0.01, यहाँ पे देखेंगे 1.00.01, इस तरह से आपने किया तो यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया, 9 मिल गया और ये हो गया हमारा 0, इस तरह से आ गया. इस चीज़ को देखिए, ये थोड़ी सी चीज़ें अंडरस्टूड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे. अब देखिए 0.99 था, थोड़ा सा अगर माइंड आप सही से लगाएंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा 1 माइनस. ठीक है, ये मिल गया. अब देखिए इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 0.01 का स्क्वायर कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा था, इसका स्क्वायर कर लिया तो यहाँ पे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस कर दिया और माइनस क्या आया, 2 × 1 × यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल रखने के लिए 0 और 1, यहाँ पे आप चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप समझते हैं तो ठीक है. और ठीक है, 1 हो गया, प्लस हो गया, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास 1 तो है ही, और 1 का 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो भी 1 आया, हमें चाहिए 2 और 2 4 डिजिट, तो ये हो गया 2 3 और 4, ये 4 डिजिट हो गया मेरा. ठीक, फिर हो गया माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे तो आ जाएगा आपके पास 0.02. ठीक, अभी आ जाएगा आपके पास 1, इसमें ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1.0001, और अब माइनस कर दीजिए 0.02. अब माइनस कर दीजिए, आप अपना रफ वर्क यहाँ पे साइड में कर सकते हैं, बहुत जल्दबाजी में करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इस तरह से डेसिमल भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता कि कैसे रखें, इस बात को ध्यान दीजिएगा. सब्ट्रैक्शन और एडिशन में डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल रखते हैं, और यहाँ पे देखिए चूंकि ये प्लस था तो पहले हमने प्लस किया देन माइनस करेंगे. ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, और यहाँ से तो कुछ नहीं मिला. ठीक है, 0.9801. ठीक, इस तरह से आपकी ये कंडीशन आ गई. इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डेसिमल वाला हो या विदाउट डेसिमल हो, जहाँ भी आपको फ्रैक्शन करने की ज़रूरत पड़े, बस आप आइडेंटिटी का ध्यान रखते हुए उसका फ्रैक्शन करेंगे. ए प्लस बी के फॉर्म में है या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है या ए प्लस बी के होल फॉर्म में है. ठीक है.